हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ प्रमुख घटनाक्रम के बारे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की सीरीज को। इस टॉपिक के पार्ट वन में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक के बचे हुए बाकी के 51 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया आपसे कि कार्य अनुभव का उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्य क्षमता उत्पन्न करना, सेकंड है छात्र में श्रमनिष्ठ उत्पन्न करना, थर्ड आर्थिक विकास की चेतना उत्पन्न करना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 51 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कार्य अनुभव का उद्देश्य कार्य क्षमता उत्पन्न करना है, साथ ही छात्र में श्रम निष्ठा भी उत्पन्न करना है और आर्थिक विकास की चेतना भी उत्पन्न करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक व आवासीय है, फर्स्ट ऑप्शन है अलीगढ़, सेकंड मेरठ, थर्ड आगरा एंड फोर्थ ऑप्शन है कानपुर। 52 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कानपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। उच्च शिक्षा के गिरते हुए स्तर का प्रमुख कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में छात्रों की आर्थिक संख्या, सेकंड है शिक्षकों का कम वेतन होना, थर्ड है शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्यों में रुचि न लेना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपको क्या लगता है उच्च शिक्षा के गिरते हुए स्तर का रीजन क्या है, क्या उसका प्रमुख कारण है, ये बताइए। 53 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उच्च शिक्षा के गिरते हुए स्तर के लिए ये तीनों ही कारण जिम्मेदार है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है मशीनों का उपयोग, सेकंड है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, थर्ड कला व विज्ञान में मध्यस्थता एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 54 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कला व विज्ञान में मध्यस्थता। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया आपसे कि भारत में बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, सेकंड है वॉरेन हेस्टिंग, थर्ड जॉनसन डंकन एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली। तो जिन्होंने भारत में बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी वो थे ऑप्शन सी जॉनसन डंकन। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सेकंड लॉर्ड वेलेजली, थर्ड लॉर्ड कर्जन एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। तो जिन्होंने इंडिया में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी वो थे ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज कब स्थापित हुआ, फर्स्ट ऑप्शन है 1817, सेकेंड 1818, थर्ड 1819 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1820। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन 1817 ईस्वी। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। पूना में पूना संस्कृत कॉलेज स्थापित किया, फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, सेकंड दयानंद सरस्वती ने, थर्ड गवर्नर वेलेजली ने एंड फोर्थ ऑप्शन है गवर्नर एलिफिंस्टन ने। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी गवर्नर एलफिंस्टन ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु में होती थी, फर्स्ट ऑप्शन है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, सेकंड है 5 वर्ष 5 माह 5 दिन, थर्ड है 6 वर्ष 6 माह 6 दिन एंड फोर्थ ऑप्शन है 8 वर्ष 8 माह 8 दिन। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो बिस्मिल्लाह खानी रस्म की जाती है वो किस आयु में की जाती थी, ये बताइए। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी, फर्स्ट ऑप्शन है मकतबो, सेकंड है मदरसो, थर्ड खानकाहो एंड फोर्थ ऑप्शन है दरगाहो। 60 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मदरसो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना किसने करवाई थी, फर्स्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड है इल्तुतमिश ऐबक,
थर्ड है हुमायूं एंड फोर्थ ऑप्शन है औरंगजेब। 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना इल्तुतमिश ऐबक ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सबसे पहले कौन से ईसाई मिशनरी आए थे? फर्स्ट ऑप्शन है पुर्तगाली, सेकंड डच, थर्ड फ्रांसीसी एंड फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेज। 62 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, डच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना था? पहला ऑप्शन दिया गया है आपको लगभग 5%, सेकेंड है लगभग 6%, थर्ड है लगभग 7% एंड फोर्थ ऑप्शन है लगभग 14%। तो यहाँ पे बात की गई है 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, उसके आरंभ में। करेक्ट आंसर होगा 63 का हमारा ऑप्शन सी, लगभग 7%। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, सन 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड 5, थर्ड 11 एंड फोर्थ ऑप्शन है 19। 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सन 1902 में भारत में कुल 5 विश्वविद्यालय थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक धारा सभा में कब पेश की? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है 1910, सेकंड है 1912, थर्ड 1911 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1913। 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1911। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया आपसे कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत आने पर प्राथमिक शिक्षा हेतु कितनी अतिरिक्त धनराशि की घोषणा की? फर्स्ट ऑप्शन है 20 लाख, सेकंड 40 लाख, थर्ड 30 लाख एंड फोर्थ ऑप्शन है 50 लाख। 66 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 50 लाख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय शिक्षा आयोग, सेकंड है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, थर्ड कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है माध्यमिक आयोग। तो जिन्होंने भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव दिया था, सजेशन दिया था, वो थे ऑप्शन सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया आपसे कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1936, सेकंड है 1937, थर्ड 1938 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1939। 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1937। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, खेर समिति वीटीए ने बेसिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष प्रस्तावित की थी? फर्स्ट ऑप्शन है 5 वर्ष, सेकंड 6 वर्ष, थर्ड 7 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 8 वर्ष। 69 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, भारतीय शिक्षा आयोग, सेकंड कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, थर्ड विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। करेक्ट आंसर होगा 70 का ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षा को संवर्ती सूची पर किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 40वें, सेकंड 42वें, थर्ड 46वें एंड फोर्थ ऑप्शन है 44वें। तो जिस संशोधन में शिक्षा को संवर्ती सूची में लाया गया था वो था ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया आपसे कि शिक्षा को संवर्ती सूची में कब लाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1950 ईस्वी, सेकंड 1986 ईस्वी, थर्ड 1952 ईस्वी एंड फोर्थ ऑप्शन है 1976 ईस्वी। 72 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1976 ईस्वी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 73। 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है 40वें, सेकंड 42वें, थर्ड 45वें एंड फोर्थ ऑप्शन है 46वें। 73 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 45वें अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 74। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है ताराचंद समिति, सेकंड मुदालियर कमीशन, थर्ड हरटांग एंड फोर्थ ऑप्शन है कोठारी कमीशन। तो जिन्होंने बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सबसे पहले दिया था वो थे ऑप्शन वन, ताराचंद समिति। क्वेश्चन नंबर 75। मुदालियर कमीशन का कार्य क्षेत्र क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, सेकंड उच्च शिक्षा, थर्ड माध्यमिक शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है संपूर्ण शिक्षा। 75 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने बजट का कुल कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का प्रस्ताव दिया या फिर सुझाव दिया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4%, सेकंड 6%, थर्ड 10% एंड फोर्थ ऑप्शन है 8%। 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 6%, 6%। क्वेश्चन नंबर 77। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, सेकंड माध्यमिक शिक्षा, थर्ड संपूर्ण शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्च शिक्षा। 77 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, संपूर्ण शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 78। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 5+3+2+2+3, सेकंड है 8+2+2+3, थर्ड ऑप्शन है 8+4+3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 10+2+3। 78 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन वन। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की? फर्स्ट ऑप्शन है 1978, सेकंड है 1988, थर्ड 1998 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2000। 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन, 1978। क्वेश्चन नंबर 80। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया? फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक, सेकंड उच्च प्राथमिक, थर्ड माध्यमिक एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्च माध्यमिक। 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माध्यमिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस क्रम पर रखा गया? फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम, सेकंड द्वितीय, थर्ड तृतीय एंड फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थ। 81 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 82। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत किस आयु समूह के व्यक्तियों को रखा गया? फर्स्ट ऑप्शन है 10 वर्ष से 30 वर्ष, सेकंड है 15 वर्ष से 30 वर्ष, थर्ड 15 से 35 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 15 से 40 वर्ष। 82 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 15 से 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 83। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है 10,000, सेकंड 40,000, थर्ड 50,000 एंड फोर्थ ऑप्शन है 60,000। 83 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 40,000। क्वेश्चन नंबर 84। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको 1990, सेकंड 1991, थर्ड 1992 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1993। 84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1992। क्वेश्चन नंबर 85।
संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च प्राथमिक का कब तक सर्वसुलभ बनाने को कहा गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1995, सेकंड 2005, थर्ड 2008 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2010। 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 2005। अभी हम लोगों ने भारतीय शिक्षा के विकास की प्रमुख घटनाक्रम से रिलेटेड टोटल 85 क्वेश्चंस देखे, बाकी ये बचे हुए 16 क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 30, सेकेंड 40, थर्ड 45 एंड फोर्थ ऑप्शन है 50। यह क्वेश्चन आपका आरटी 2011 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है और इसके साथ ही आपके सारे एग्जाम्स लाइक सीटेट, टेट या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से सोच के जवाब दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा 1 का हमारा ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक संसाधनों को, सेकंड शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, थर्ड बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को एंड फोर्थ ऑप्शन है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, सेकंड है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, थर्ड प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। 3 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 40 घंटे, सेकंड 45 घंटे, थर्ड 50 घंटे एंड फोर्थ ऑप्शन है 55 घंटे। 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 45 घंटे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, सेकंड पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, थर्ड संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को जिस दायित्व को पूरा करना अनिवार्य बताया गया है वो है आपका ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन से आपके महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सेकंड ऑप्शन है नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, थर्ड शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। करेक्ट आंसर होगा 6 का हमारा ऑप्शन 1, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति को बढ़ावा देने के लिए जिन कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है उसमें महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने को सूचीबद्ध किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान अस्थाई है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, सेकंड ऑप्शन है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, थर्ड
विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, ज्ञान अस्थाई है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा, सेकंड सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, थर्ड सामूहिक कार्य मूल्यांकन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। 8 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1990, सेकंड 1993, थर्ड 1998 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2000। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 1993। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। फर्स्ट ऑप्शन है कोठारी आयोग का, सेकंड राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, थर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का एंड फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। करेक्ट आंसर होगा 10 का हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, फर्स्ट ऑप्शन है अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, सेकंड है जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, थर्ड आयु के अनुसार अधिक समजातीय है एंड फोर्थ ऑप्शन है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट ऑप्शन है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, सेकंड है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, थर्ड यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है एंड फोर्थ ऑप्शन है ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि NCF 2005 के हिसाब से गलतियाँ कौन से कारण से महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर होगा 12 का हमारा ऑप्शन सी, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। थर्ड बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। तो NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो प्राथमिक भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है सत्तावादी, सेकंड अधिनायकीय, थर्ड अनुमति परक एंड फोर्थ ऑप्शन है सुविधादाता की। तो NCF 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है वो सुगमकर्ता या फिर सुविधादाता की मानी जाती है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय सरल, सेकंड सक्रिय सामाजिक,
थर्ड निष्क्रिय सरल एंड फोर्थ ऑप्शन है निष्क्रिय सामाजिक। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। सेकंड है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। थर्ड खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। एंड फोर्थ ऑप्शन है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ ही हमने भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ प्रमुख घटनाक्रम से रिलेटेड 101 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।